हेलो एवरीवन, वेलकम टू नंदिनीज किचन। अरे वाह, आ गए आप सब। आइए आइए, वेलकम। आइए सुरेखा दीदी, अनीता दीदी, सुषमा जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और नंदनी क्या कर रही हो? कुछ बिजी लग रही हो? क्या कर रही? कुछ स्पेशल बना रही हो क्या? हाँ, कुछ स्पेशल बना रही हूँ मैं। आज मेरे घर पे कुछ स्पेशल गेस्ट आए हैं, उनके लिए। क्या बना रहे हो नंदनी जी? मसाला ढोकला बना रही हूँ मैं। वाह, मसाला ढोकला बना रही हो, हमें भी सिखाओ। आ जाइए आप भी मेरे साथ में किचन में। आज हम बना रहे मसाला ढोकला। इसके लिए मैंने लिया है ये एक कटोरी जितना बेसन, एक कटोरी सूजी और एक कटोरी दही। उसके साथ में मैंने लिए हैं आलू। अब आप सोच रहे होंगे कि ढोकले में आलू का क्या काम है, तो अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये आलू से हम इसमें कुछ नया करने वाले हैं, उससे हमारे ढोकले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। फिर उसके साथ ही मैंने लिए ये 2 चम्मच जितनी शक्कर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्ची, एक इनो का पाउच। ये मैंने लेमन फ्लेवर वाला इनो लिया है। आप कोई भी नॉर्मल इनो भी ले सकते हैं, जो रेगुलर इनो आता है, पर उसके अलावा कोई और जो फ्लेवर में है, ऑरेंज या कोई और, वो नहीं लें। इसमें लेमन फ्लेवर तो चलेगा, अच्छा लगता है। फिर उसके साथ ही मैंने लिया इसमें 1 छोटे चम्मच जितना नमक। फिर हम बनाएंगे इसका मसाला। ये आज कुछ हमारे अलग टाइप के ढोकले हैं। इसके लिए मैं इसमें लूंगी 2 प्याज, इसे हम छील के बारीक काट लेंगे। फिर हमें लेने 2 टमाटर, इसे भी छील के बारीक काट लेना है। फिर यहाँ पर मैंने ली है ये एक इस तरह से कटी हुई हरी मिर्ची। आप इसके लंबे लंबे टुकड़े भी कर सकते हैं। फिर ये मैंने लिए हैं थोड़े से करी पत्ते और उसके साथ ये स्वाद अनुसार नमक, जीरा 1 चम्मच जितना, राई 1 चम्मच जितनी और 1 टेबल स्पून जितना ऑयल, और ये है 1/2 टीस्पून जितना चाट मसाला, और मिर्ची है 1 स्पून जितनी। फिर उसके साथ ही मैंने लिया है ये पाव भाजी मसाला, ये भी 1 स्पून जितना ही है। फिर ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून से ज़्यादा बटर है। इसमें हमें बटर ही ज़्यादा डालना है, तो बटर का टेस्ट इसमें बहुत ही अच्छा आता है। वाह, इसमें हम आपकी कुछ मदद करें? रेखा दीदी, आप ये 2 अनियन चॉप कर दीजिए। चलिए सुषमा दीदी, आप ये 2 टोमेटो चॉप कर दीजिए। हाँ अनीता दीदी, आप ये ना 2 पोटैटो पील करके और चॉप कर दीजिए। ये लो नंदन, ये प्याज कटकर रेडी हो गया, ये लीजिए। यहाँ पर आलू को छील के काट लिया है। फिर उसके बाद में हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें हम डाल देंगे ये आलू। हमें इसकी पेस्ट बनानी है, कच्चे आलू की ही हम पेस्ट बना के डालेंगे ये ढोकले में। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कटी हुई हरी मिर्ची और अदरक। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटोरी जितना पानी और फिर हम ढक्कन लगा के इसकी पेस्ट बना लेंगे। आलू की पेस्ट पिस चुकी है। फिर हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे जो हमने आलू वाली पेस्ट पीसी है। हम इसी में मिला देंगे दही और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। इसमें आप सूजी जो भी है आपके पास में वो ले सकते हैं, मोटी वाली या बारीक वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हम इसमें डालेंगे बेसन। फिर हम इसमें डाल रहे हैं नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर और हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे ढक्कन लगाकर 15 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसमें सूजी और बेसन अच्छे से भीग के फूल जाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसका बैटर थिक हो गया है, इसमें सूजी ने पानी सोख लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, करीब ये मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला है पहले। बाकी अभी हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे कि ये किस तरह का बना है।
अभी भी ये थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी। मैंने ये सूजी और बेसन से बनाया है, आप चाहे तो अगर आपके पास में सिर्फ सूजी है तो आप सिर्फ सूजी वाला ही बना सकते हैं। मेरा सिर्फ सूजी वाले ढोकला का भी वीडियो बना हुआ है, मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसे वहां से भी देख सकते हैं। मैंने ये ढोकले वाली प्लेट को तेल लगा के चिकना कर लिया है। अगर आपके पास में ऐसी प्लेट नहीं है तो आप इसे एक स्टील की थाली में भी बना सकती है, या फिर कोई टिफिन में भी बना सकती है, या फिर कोई केक बनाने का जो एल्यूमिनियम का मोल्ड होता है उसमें भी बना सकते हैं। मैं अभी इसमें बना रही हूँ इसे। तो का पैकेट लेंगे और इसे इसमें ऐड कर देंगे। मैं ये पूरा एक पैकेट डाल रही हूँ। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच जितना बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं या बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमें इसे इसमें अच्छे से जल्दी से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं ये बैटर एकदम फूल गया है अच्छे से, और अब हम इसे वो चिकनाई लगी हुई प्लेट में डाल देंगे। यहाँ पर ये ढोकले बनाने वाली जो कढ़ाई है उसके अंदर नीचे पानी डाल दिया एक गिलास भर के, और ये प्लेट इसके अंदर रख दी है, नीचे पानी उबलने लग गया है। अब हमने जो इनो डाला था वो बैटर को हम इसमें डाल देंगे। और इसे इसमें लेवल कर देंगे। फिर हम इसे ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम चाकू से चेक कर लेंगे। चाकू बिल्कुल क्लीन निकला है। 15 मिनट में ये ढोकले पक्की रेडी है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसकी प्लेट निकाल के ठंडा कर देंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है, इसने प्लेट के किनारे छोड़ दिए हैं। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। आप इसके पीसेस अपनी पसंद के अनुसार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे ढोकले कितने बढ़िया बने हैं, कितने फूले फूले और एकदम स्पंजी, बिल्कुल एकदम अच्छा सा स्पंज आया है इसमें, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हमने इसमें आलू डाला था उसके कारण से। अब हम इसे छौंक लेंगे। इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रखा है, इसमें मैं डाल रही हूँ बटर। बटर हमने जो लिया है उसमें से अभी हम इसमें आधा बटर ही यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप उसकी जगह पे सिर्फ ऑयल में भी बना सकते हैं, या फिर इसमें आधा घी और आधा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे राई, जीरा, और इसे क्रैकल होने देंगे। राई और जीरा क्रैकल हो गया है, फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, और हम इसे अच्छे से सौते कर लेंगे। अगर आप लहसुन खाते हैं तो आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अभी मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला है। अगर आप लहसुन डालेंगे तो उसका भी टेस्ट अच्छा ही आता है। और अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ टमाटर में भी इसकी ग्रेवी बना सकते हैं। इसमें प्याज लाइट गोल्डन सौते हो चुके हैं। फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने टमाटर भी चॉप करके रखे हैं, और अब हम इसे पका लेंगे। अगर आप इसमें टोमेटो की प्यूरी बना के डालना चाहते हैं तो आप प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें इसमें इस ग्रेवी के भाग का ही डालना है, क्योंकि ढोकले में हम ऑलरेडी नमक डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें टमाटर सॉफ्ट होने लग गए हैं। फिर हम इसे पाव भाजी मैशर से इस तरह से मैश कर देंगे, जिससे इसकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बन जाएगी। इस तरह से ये इसकी ग्रेवी हो गई है। फिर हम इसके बीच में थोड़ा सा जगह करेंगे और उसमें डालेंगे बटर। फिर हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। अब ये ढोकला है और हम इसमें करी पत्ता और हरी मिर्ची नहीं डालें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम इसमें डाल रहे हैं करी पत्ता और हरी मिर्ची। हम इसे बीच में ही अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये हरी मिर्ची और करी पत्ता भी अच्छे से सौते हो चुके हैं,
अब हम इसे पूरे मसाले में मिक्स कर लेंगे। डाल रही हूँ आधा कप जितना पानी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालते हैं ढोकला जो हमने बना के रखे हैं। मैंने इसे थोड़ा चटपटा बनाया है। ये कुछ इस तरह से बनाया है मैंने कि जैसे हम मसाला पाव बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का लग रहा है। अब अभी इस टाइम में अगर हमारे पास में पाव नहीं है तो हम इस तरह से ये मसाला ढोकला भी बना सकते हैं। इसका भी टेस्ट बिल्कुल उसी तरह का आता है। और हमने इसमें जो आलू डाला है उसके कारण से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है एकदम। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे मैंने बिल्कुल मसाले में एकदम अच्छे से कोट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अभी मेरे पास में हरा धनिया नहीं है तो मैं उसे स्किप कर रही हूँ। ये हमारे मसाला ढोकला बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे। वाओ, क्या खुशबू आ रही है। ये हमारा मसाला ढोकला बनके तैयार है। आप इसे टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। और फ्रेंड्स, हमने ये वीडियो की क्लिपिंग्स अपने अपने घर पे रह के बनाई है, इसीलिए आप भी अपने घर पे रहिए प्लीज। इस कोरोना वायरस के टाइम में आप सब सहयोग कीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम। आप घर पे ही रहिए और सुरक्षित रहिए। नंदिनी किचन में जाइए, अच्छी अच्छी रेसिपीज देखिए और उसे बनाइए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आपकी रेसिपीज कैसी बन रही है। थैंक यू सो मच।